बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बहू एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं। ये दोनों भले ही फिल्मी दुनिया से थोड़ा सा दूर हों, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। इस क्यूट कपल ने साल 2007 में शादी रचाई थी और अब एक प्यारी सी लाडली बेटी आराध्या बच्चन के ये दोनों पेरेंट्स हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ ही अब आराध्या भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान के रिलेशनशिप की खबरें भी चर्चा में थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि उस टाइम ऐसा क्या हुआ था कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। दरअसल वो दौर था 1990 से लेकर 2000 तक का, जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप की खबरों ने जोर पकड़ा था। इस दौरान दोनों लोगों ने हम दिल दे चुके सनम और हम तुम्हारे हैं सनम जैसे रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया। इन दोनों ने अपने रिश्ते की बात को भी एक्सेप्ट किया था और फिर करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2002 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद से ही दोनों ने इंटरव्यूज में एक दूसरे से जुड़े सवालों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। हालांकि एक इंटरव्यू में सलमान खान से जब ऐश्वर्या राय की शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सादगी से जवाब देते हुए कहा था कि मैं खुश हूँ कि ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी की है। अभिषेक एक अच्छे खानदान का लड़का है। सिर्फ यही नहीं, सलमान ने ऐश्वर्या को बधाई देते हुए उनकी खुशियों के लिए दुआ भी की थी। साल 2002 में दिए एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय ने सलमान खान और अपने रिश्तों को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। ऐश्वर्या राय ने कहा था कि सलमान और मेरा मार्च में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने मुझे कॉल कर वाहियात बातें की। उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया था। मैं लकी रही कि मार का निशान मेरे चेहरे पर या कहीं और नहीं था। सलमान खान के हिंसक व्यवहार की वजह से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। इस इंटरव्यू के कुछ महीनों के बाद सलमान खान ने ऐश्वर्या की कही एक एक बात का जवाब दिया था। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा था कि नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं मारा। वो एक टाइम था जब मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। उन्होंने मुझ पर चम्मच फेंक के मारी थी, मेरे सिर पर प्लेट भी तोड़ दी थी, मेरे कॉलर को पकड़कर मारने की कोशिश भी की थी, तब मैंने भी उन पर हाथ उठा दिया था। ऐश्वर्या ने सलमान के साथ कभी ना काम करने का फैसला लिया था। सलमान खान के इस बयान के बाद ऐश्वर्या ने एक हैरान करने वाला कदम उठाया था। ऐश्वर्या राय ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि अब से वो कभी भी सलमान खान के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगी। फिलहाल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं। वहीं सलमान खान इस टाइम मॉडल यूलिया वंतूर को डेट कर रहे हैं। तो आपको सलमान और ऐश्वर्या की ये स्टोरी कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी बीट।